और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे, तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी, आपके जमीर भी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे, और इससे इस वक्त जो है ना वो च्वाइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना लें। इस वक्त हमको अटैक पर जाना जरूरी है इंशाल्लाह, तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। बजट के अंदर आप देखें कि इस साल के बजट के अंदर जो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है, ठीक ये मैं नंबर खोल लेता हूँ, शहबाज राणा को मुझसे ज्यादा नंबर याद होते हैं, कितने का डेफिसिट आ रहा है, 4,600 का, 4598। अब 2 अरब का भी चलो खान साहब के खाते में ज्यादा नहीं डालते, 4598 का डेफिसिट आ रहा है। पिछले 3 सालों में, ये 4 सालों में आप जब जानते हैं, और ये बड़ा आसान है, तो चेक करना भी इतना आसान है कि तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने किए। मैं फिर ये कहता हूं कि 20 साल में जितना, 3 साल पौने 4 साल में जितनी डेट इन्होंने ली है, उतनी जो है वो डेट 71 साल में ली गई थी, उसका 80% ले लिया है। और आप देखें कि जिस साल में छोड़ के गया था, उस साल 1499 अरब रुपये हमने डेट सर्विसिंग की थी, 1499 अरब रुपये। इस साल हमने 3950 अरब रुपये का तखमीना रखा है, कि आप मतलब ये नहीं कि 2500 अरब रुपए और दे रहे हैं सिर्फ डेट सर्विसिंग में, ये 2 डिफेंस के बराबर हो गया। मतलब ये मुल्क के अंदर हम टोटल टैक्स जमा करेंगे 7000 अरब रुपया, 7004 अरब रुपया। नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 2000 अरब हो जाएगा, तो ये 9000 अरब हो जाएगा, 7 में से तकरीबन 4000 अरब रुपये हम दे देंगे सूबों को, तो 3000 हमारे पास नेट नेट बचता है, और 2000 मेरे पास उसका आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू का, 5000 बचता है, उसमें से 4000 आपने दे दिया सूबों को, सॉरी 5000 4000 दे दिए डेट सर्विसिंग में, अब 1000 अरब रुपए रह गए। 1000 अरब में पूरी हमको आप, और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1500 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए तो सिर्फ कैश हमने सब्सिडी दी है पावर सेक्टर को, 300 अरब रुपए से ज़्यादा हमने कैश सब्सिडी दी है उसको। 1000 अरब के अंदर हमको पूरी सिविलियन गवर्नमेंट चलानी है, पूरी डेट पूरी मिलिट्री चलानी है, सब्सिडीज देनी है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, इन सबको भी, फाटा, इन सब के भी पैसे वफाक देती है, जो कि सीरियसली सूबों के फूल से होने चाहिए लेकिन वफाक देती है। तो ये फिर उसके बाद यू नो पेस्को होता है, यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन होता है, दूसरी दीगर चीज़ें होती हैं। और अगर मैं ईमानदारी से अकाउंटिंग करूं, अगर ये हुकूमत इस तरह अकाउंटिंग करे जिस तरह हम प्राइवेट कंपनीज को इंसिस्ट करते हैं, तो जो SOE के लॉस हैं वो अपनी बुक्स में लेने पड़े, तो 600 अरब रुपये वो चले गए। फिर जो सर्कुलर डेट है वो भी अपने बुक में लेने पड़े, तो 1000 अरब रुपए गैस और पावर के मिला के वो चले गए। तो पहले दिन -600 पे हम आते हैं। यहां से ये मुल्क को हम मिला है, यहां से हम इस मुल्क को लेकर चलेंगे। ये मुल्क के अंदर मैं अब भी यकीन से कहता हूं कि जितने